दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके मोबाइल में कीबोर्ड नहीं आ रहा है तो कैसे आप इस प्रॉब्लम को सही कर सकते हो। तो फॉर एग्जांपल मैं व्हाट्सएप को ओपन करता हूं, अभी अगर मैं यहां पे मैसेज टाइप करने के लिए क्लिक करता हूं तो कीबोर्ड नहीं आ रहा है, यहां पे गूगल वॉइस वाला आ रहा है, आप देख सकते हो। यहाँ पर टाइप करने वाला लिखने वाला कीबोर्ड नहीं आ रहा है, तो ये प्रॉब्लम आ रही है। और कई बार दोस्तों कीबोर्ड आता ही नहीं है, ओके। तो मतलब कि कीबोर्ड से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम अगर आपके मोबाइल में आ रही है, कीबोर्ड नहीं आ रहा है, कोई भी यहाँ पे दिक्कत है, तो आप इस प्रॉब्लम को कैसे फिक्स कर सकते हो, कैसे सही कर सकते हो, यही इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार आओ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो मोबाइल में कीबोर्ड नहीं आ रहा है, इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए सबसे पहले आपको ओपन करना पड़ेगा अपने फ़ोन में सेटिंग्स ऐप। तो दोस्तों ये है मेरे फ़ोन में सेटिंग ऐप, मैं सेटिंग ऐप को ओपन कर लेता हूँ। तो जैसे आप सेटिंग ओपन करते हो, सेटिंग को ओपन करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपको थोड़ा नीचे आना है। नीचे जैसे ही आप आते हो तो यहाँ पे आपको एक सेटिंग्स मिलेगी, एडिशनल सेटिंग्स, ओके। तो यहाँ पे एडिशनल सेटिंग लिखा होगा, आप इस पर टच कर देना तो आप सेटिंग में ढूंढेंगे, कहीं ना कहीं पे आपको एडिशनल सेटिंग्स का ऑप्शन मिल जाएगा, आप एडिशनल सेटिंग पे क्लिक करेंगे। चलिए मैं क्लिक करता हूँ। तो जैसे आप क्लिक करते हो तो इसके अंदर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा लैंग्वेज इनपुट का, या फिर हो सकता है यहाँ पे कीबोर्ड लिखा होगा, है ना। तो इसके अंदर आपको यहाँ पे लैंग्वेज इनपुट का ऑप्शन मिल जाएगा, तो आप क्लिक करेंगे। तो मेरे में यहाँ पे ऊपर ही है तो मैं यहाँ पे लैंग्वेज इनपुट पे क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे आप लैंग्वेज इनपुट पे क्लिक करते हो यहाँ पे कीबोर्ड की सेटिंग्स ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको करना क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे आप नीचे आइएगा, यहाँ पे इनपुट मेथड्स में आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा करंट कीबोर्ड का, आप इस पर टच करना। चलिए मैं क्लिक करता हूँ। तो जैसे आप करंट कीबोर्ड पे क्लिक करते हो यहाँ पे आपको नीचे एक ऑप्शन मिलेगा चूज कीबोर्ड का, आपको सिंपल चूज कीबोर्ड पे क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक कर देते हो यहाँ पर आप देखोगे कि आपके मोबाइल में गूगल वॉइस टैपिंग कीबोर्ड चालू होगा, इसीलिए कीबोर्ड नहीं आ रहा होगा और वॉइस वाला आता होगा, ओके। तो आपके मोबाइल में जो कीबोर्ड होगा वो गलती से आपसे बंद हो गया होगा, इसीलिए प्रॉब्लम आ रही होगी। तो आपके फ़ोन में जो कीबोर्ड होते हैं दो तीन जो भी होंगे वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। तो अब यहाँ पे आपको करना क्या है, इन कीबोर्ड को आपको ऑन कर देना है। उसके लिए सामने आपको एक ऑन का ऑप्शन मिलेगा, ये मैंने ऑन कर दिया, ओके। ये कीबोर्ड है, मैं इसको भी ऑन करता हूँ, ओके। ऐसे करके आपके मोबाइल में जो भी कीबोर्ड दिए जाते हैं उन सभी को ऑन करना, और ये गूगल वॉइस टैपिंग जो कीबोर्ड है इसको आप बंद कर देना, ओके। उसके बाद में आप सिंपल बैक आना, बैक आने के बाद आप दोबारा से करंट कीबोर्ड पे क्लिक करना, और यहाँ पे आप देखना तो यहाँ पे कोई ना कोई कीबोर्ड ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो गया होगा, जैसे कि मेरे में जी बोर्ड कीबोर्ड सिलेक्ट हो चुका है, अभी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो चुकी है। अगर आप चाहो तो और जो भी कीबोर्ड अगर आपके फ़ोन में होते हैं तो आप चेंज करके कोई और भी लगा सकते हो, जैसे कि इंग्लिश इंडिक लैंग्वेज है, चलिए मैं इसको ही लगा देता हूँ। तो मैं इस पर टच करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो करंट कीबोर्ड में यहाँ पर वो कीबोर्ड आ चुका है, ओके। तो कोई ना कोई आप कीबोर्ड पर क्लिक कर देना और आपको सिंपल बैक चले आना है। अभी आप देखोगे कि आपकी प्रॉब्लम जो है वो 100% सॉल्व हो चुकी है, अब कीबोर्ड आएगा। चलिए मैं आपको चेक करा देता हूँ। तो मैं व्हाट्सएप को ओपन करके आपको टाइपिंग करके दिखाता हूँ। तो मैंने व्हाट्सएप को ओपन करा, मैं यहाँ पे टाइप ए मैसेज पे क्लिक करता हूँ। जैसे क्लिक करा तो आप यहाँ पे देख सकते हो कीबोर्ड आ चुका है। इससे पहले आपने देखा कि कीबोर्ड आ ही नहीं रहा था, लेकिन अभी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। और यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं यहाँ पे टाइप कर सकता हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हो, है ना। तो अब मेरे मोबाइल में जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो चुकी है और अब मेरे मोबाइल में कीबोर्ड आ रहा है, आप यहाँ पर देख सकते हो। इससे पहले मैं जब भी क्लिक करता था तो कीबोर्ड आता ही नहीं था, आ भी जाता था तो वॉइस वाला आता था। तो अभी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है और कीबोर्ड हमारे फ़ोन में आ चुका है, आप यहाँ पर देख सकते हो। तो इस प्रकार से अगर आपके भी मोबाइल में कीबोर्ड प्रॉब्लम हो रहा है, कीबोर्ड नहीं शो हो रहा है, तो आप इस प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए आज की इस वीडियो को यहीं पेंट करते हैं, मैं आपसे मिलूंगा ऐसे ही नई एक्साइटिंग वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।